गुजारिश है कि आप हमारे YouTube चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को कर दें प्रेस ताकि आपको हमारी आने वाली YouTube वीडियोस का मिलता रहे नोटिफिकेशन। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज हमजा इजाज, वेलकम टू GTA 5 पाकिस्तान एंड द गेमर्स वर्ल्ड। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो दोस्तों, क्या हाल चाल है, क्या चल रहा है? कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन है, तो हमेशा की तरह आज की वीडियो में भी पाकिस्तान का फ्लैग जो है हवाओं में बुलंद है। तो आप लोगों ने जो है वो कमेंट्स में कहना यह है कि पाकिस्तान जिंदाबाद एंड पाक फौज जिंदाबाद। तो देख सकते हैं आप जी, सुबह का टाइम हो गया है, तो माइकल जो है वो सोकर उठ चुका है और तैयार शार होके नीचे आ रहा है जी। तो अब नाश्ता मेरा ख्याल है कर लिया जाए, नाश्ते का सीन हो जाए, क्योंकि सारी रात सोने के बाद और उठ के नाश्ते की तो बनता ही है। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने जो है आपको माइकल के दोस्त से मिलवाया था जिसका नाम है जी सुल्तान लाला, और जो कोरोना वायरस की वजह से हेल्प करने के लिए आया था, और हमने जो है वो काफ़ी सारे लोगों को मेडिकल और राशन का सामान दिया था। आप लोगों ने बहुत प्यार दिखाया उस वीडियो में, तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया। तो अब जो है वो कुछ बिजनेस वगैरह भी करना है उसके साथ, सुल्तान लाला के साथ। तो आज जो है हम एक गिफ्ट देंगे जी सुल्तान लाला को, और बहुत ही खूबसूरत और ख़तरनाक सा गिफ्ट है जी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो है वो पसंद आएगा, और आप लोग देख सकते हैं कि जी माइकल जो है अपने पेट्स के साथ जो है वो एंजॉय कर रहा है, खेल रहा है। सुबह सुबह जो है वो का टाइम है, और आपके सामने है जी फ्रैंकलिन विद न्यू टी शर्ट। और आपको ये टी शर्ट कैसी लगी? और फोर्ड रैप्टर है जी हमारे साथ 2017, काफ़ी खूबसूरत सा मॉडिफाई जो है हमने किया हुआ है जी, आप लोग देख सकते हैं। और जो फोर्ड के अलायरम है ये मुझे बेहद पसंद है पर्सनली, इसलिए मैं ज़्यादातर गाड़ियों में जो है यही अलायरम यूज़ करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको भी पसंद आएगा। और अलायरम का कलर आप जो चेक करें जी, रेड कलर का अलायरम का कलर है, और गाड़ी का कलर भी जो है वो रेड एंड ब्लैक है। तो फ्रैंकलिन जो है वो पहुंच चुका है माइकल के पास, तो अब ये लोग जो है यहाँ से जाएंगे एक पेट बाय करना है जी इन्होंने सुल्तान लाला के लिए। तो आप लोगों को बोर ना करते हुए मैं खामोशी इख्तियार करता हूँ, आप लोग जो है वो वीडियो एंजॉय करें। बीच बीच में जहाँ ज़रूरत पड़ेगी आपको बताने की तो मैं आप लोगों को ज़रूर बोल कर बताऊँगा।
आप लोग देख सकते हैं कि जी माइकल जो है एक पेट शॉप में पहुंच गया है और यहां पर देखते हैं जी हमारे पास कौन कौन से पेट्स हैं बाय करने के लिए। तो अंकल से थोड़ा हाल वाल कर लें जी कि हमें बाय तो करना है टाइगर, और यहां पे क्या क्या हैं आप लोग देख सकते हैं जी, डॉग्स हैं यहां पे काफ़ी, और मुख्तलिफ कह लें कि किस्म के डॉग्स हैं या नसरों के कह लें डॉग्स हैं। और ये देखें जी ग्रे कलर का डॉग काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है, ये जो है माइकल के पास भी है, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि माइकल के घर भी है ये डॉग, और हस्की भी है माइकल के पास, क्योंकि माइकल को जो है वो डॉग्स का और टाइगर का बहुत शौक है, इस वजह से जो है वो माइकल के पास भी हैं। और यहाँ पे जो है एक डक भी है, वो आप लोगों को दिखाते हैं जी यहाँ पे, ये देखें जी ये इन्होंने ओपन ही है, क्योंकि इससे जो है वो किसी को खतरा नहीं है और ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ये है जी टाइगर जो हमने बाय करना है, और इनको जो है बिल्कुल ही इन्होंने अलग रखा हुआ है, क्योंकि जो है इससे तो लोगों की जान को ख़तरा हो सकता है। अब हम ये बाय यहाँ से करके और अपने फ्रेंड सुल्तान लाला को जो है वो गिफ्ट करेंगे जी। उम्मीद करता हूँ कि सुल्तान को जो है वो पसंद आएगा हमारा खूबसूरत और ख़तरनाक, मतलब एक डेंजरस सा कॉम्बिनेशन है, खूबसूरत और खतरनाक तोहफा। तो दोस्तों हमने जो है वो एक टाइगर बाय कर लिया और उसकी पेमेंट कर दी है, और अब देख सकते हैं आप जो है ये टाइगर निकल रहा है बाहर, इसको लोड करेंगे हम अपने जीपों में। आपने देखा कि जी कैसे खड़े हुए थे बाउंसर जो है वो बैट और गन्स लेके कि ताकि किसी को ये नुकसान ना पहुंचा सके। और अब हम इसको लेके चलते हैं सुल्तान के विला पर, जहां पर जाके सुल्तान को दिखाएंगे जी ये गिफ्ट और पूछेंगे कि जी ये गिफ्ट उसको कैसा लगा। तो दोस्तों ऑलमोस्ट हम जो हैं वो सुल्तान के विला पर पहुंच चुके हैं, और ये एक न्यू विला है और बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ज़बरदस्त है। कुछ देर में आपको दिखाऊंगा जी कि इसकी ख़ास बात क्या है, इस विला में ऐसी क्या ख़ास बात है जो हमने ये विला जो है वो बनवाया
और इस विला में हमने क्या बनवाया, इस विला के बेसमेंट में ऐसा क्या है। और आप लोग देख सकते हैं जी, ये टाइगर का केज यानी कि पिंजरा है जिसमें हमने जो है ये टाइगर अपना रखना है। तो सफर काफी लंबा था और जरा ये गुस्से में है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि जी सुल्तान लाला जो है वो बाहर निकल आए हैं टेरेस पे, और देखते हैं जी जाके के माइकल जो है क्या लेकर आया है जी सुल्तान लाला के लिए गिफ्ट। तो माइकल जो है वो सुल्तान लाला के लिए एक टाइगर लेके आया है जो कि काफी गुस्से में है और भागने की कोशिश कर रहा है यहाँ से। तो इसको खाना शाना डालेंगे तो ये जो है वो सेट हो जाएगा। और सुल्तान लाला ने जो है वो माइकल और फ्रैंकलिन को ऊपर बुला लिया है जी अपने पास ताकि बैठ के कुछ गपशप हो सके। और आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा ये इंटीरियर जो है विला का काफ़ी खूबसूरत विला है, और जिस मेन उसकी मैं बात कर रहा था वो अभी जो है वो अंदर है एक बेसमेंट में जो है वो एक रूम है और वो मैं आपको दिखाऊंगा कुछ ही देर में। तो सुल्तान लाला जो है वो बातचीत कर रहा है जी माइकल और फ्रैंकलिन से और शुक्रिया अदा कर रहा है कि उनका ये गिफ्ट जो है वो इसको बहुत पसंद आया। आप लोग देख सकते हैं जी माइकल को एक शख्स की कॉल आई है और वो बता रहा है जी कि पुलिस को फ्रैंकलिन की जिसने इंफॉर्मेशन दी थी वो अपने फार्म हाउस पर मौजूद है। तो माइकल ने ये जो कॉल अटेंड कर ली है, रिसीव कर ली है, और सुल्तान को कह रहा है कि जी मेरे साथ चलो और फ्रैंकलिन जो है वो यहीं पे रुके। और आप लोग देख सकते हैं जी ये वो शख्स है जिसने वेपन्स डील के बहाने जो है वो फ्रैंकलिन की लोकेशन आउट की थी और धोखा दिया था जी माइकल को। आप लोग देख सकते हैं कि जी माइकल और सुल्तान जो हैं वो यहाँ से निकल चुके हैं और जो है फ्रैंकलिन इनके साथ नहीं जा रहा, ये दोनों जाएंगे और अपने साथ कुछ गार्ड्स ले जाएंगे जी फॉर सिक्योरिटी पर्पस। तो आप लोग देख सकते हैं जी सुल्तान ने जो है वो अपनी गन निकाल ली है और ये पिस्टल जो है ये है डेजर्ट ईगल, काफ़ी खूबसूरत पिस्टल है और सिल्वर प्लेटेड है जी। तो हम जो है वो सुल्तान की गाड़ी में जाएंगे और साथ में जाएंगे चार गार्ड्स।
आप लोग देख सकते हैं कि जी सुल्तान ने इनके तमाम बंदे मार कर जो है वो इसको पकड़ लिया है, मतलब अपने हिरासत में जनाब ले लिया है, और साथ में जो है वो गार्ड्स खड़े हैं और माइकल को इन्फॉर्म कर दिया है जी अब वो बाहर से जो है वो अंदर आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि जी माइकल जो है वो अंदर आ रहा है जी। और लोग देखें जी यहाँ पे काम करने वाले मुलाजिम बेचारे डर और खौफ की वजह से भाग रहे हैं जी, और माइकल ने जो है अपने गार्ड्स को कह दिए कि हम लोग जा रहे हैं और इसको जो है वो तुम विला पर ले आओ। माइकल ने जनाब इनको ऑर्डर दिया है कि इसको ले जाकर बेसमेंट में जो जेल कहने टाइप रूम है वहां पर इसको बंद कर दिया जाए और पानी शानी इसको पिलाए और इसकी खिदमत जनाब कुछ ही देर में करेंगे। तो ये था वो रूम और वो जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था जी, तमाम मामलात सारे। और यहाँ पे देख लें कि इंतजाम करने के तमाम जो है वो चीज़ें पड़ी हुई हैं जी किसी की खिदमत करने के लिए। और जनाब गुस्से में आकर जो है वो जाली पे मुक्के मारे हैं वहाँ, तो इनसे कुछ हुआ नहीं। चले आप वीडियो एंजॉय करें, अभी कुछ ही देर में इनकी जो है वो खिदमत की जाएगी। आप लोग देख सकते हैं जी ये दो हैं जिनके पास बैट्स हैं और ये जो हैं वो इसकी खिदमत कर रहे हैं ज़रा अच्छे तरीके से। दोस्तों आप लोग देखें कि हमारे इस घर में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर लाजमी शेयर करिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।